हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और ये किस तरीके से एग्रीकल्चर से लिंक है, यानी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे को जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है. ओके, देन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें इंडस्ट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री लोकेशन के बारे में कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. ठीक है, इंडस्ट्री लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. जैसे कि बेटा आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है. ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडस्ट्री लोकेशन को जो है इन्फ्लुएंस करती है. यानी जैसे कि बेटा हम कहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाना लगाएंगे, जहाँ पर जैसे कि देखिए अगर हमें जहाँ पर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाएगा, तो हम लोग ऐसी जगह प्रेफर करेंगे कि हम ऐसी ही जगह इंडस्ट्री लगाएं जहाँ पर हमें बहुत ही जल्दी रॉ मटेरियल मिल जाए, बहुत ही चीप रेट में मिल जाए. ओके, देन सेकेंड है लेबर, तो हम लोग ऐसी ही जगह इंडस्ट्री लगाने को प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पर लेबर हमें इजीली मिल जाए. ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप किसी हिली एरियाज में इंडस्ट्री लगा रहे हैं और वहाँ पर आपका लेबर नहीं है, तो आप ऐसी जगह तो इंडस्ट्री लगाएंगे ही नहीं जहाँ पर आपको ज़्यादा कॉस्टली लेबर की ज़रूरत पड़े. कैपिटल, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए. ठीक है, देन हमारे पावर, एज आप सभी को पता है कि बेटा पावर के बिना तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, यानी इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है इंडस्ट्री को चलाने के लिए. मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो हम ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ पर हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट ईजिली मिल जाए. ठीक है, यानी हम ऐसी जगह लगाएंगे जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो हम उसको कोई भी गुड जो है बनाया है और उसके लिए हमें मार्केट ही वहीं मार्केट आसपास ही मिल जाए, तो हम ऐसी जगह अपनी इंडस्ट्रीज लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे उसको. ओके, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं, तो कहीं तो इंडस्ट्रीज कहाँ पाते लोग जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि क्योंकि किसी भी कहीं अलग अलग जगह की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है और कहीं पर बहुत जो है लूज़ होती है, तो लोग ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाना प्रेफर करते हैं जहाँ पर ज़्यादा गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना हो. देन इट इज़ रियली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल इन वन प्लेस, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉसिबल है, या कहे इसका रेयर बहुत ही रेयरली कॉम्बिनेशन है कि हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं. ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, मिल सकती हैं बट बहुत ही रेयर इसका पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, देन इसका रिजल्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर लिस्ट. तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो हम लोग अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर लगाना ज़्यादा सही समझते हैं जहाँ पर ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो ईजिली मिल जाए, या फिर हम ये कहें कि ये कम रेट पर इनको जो है बहुत ही कम रेट पर ये हमें मिल सकते हैं. ओके, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अर्बनाइजेशन फॉलोज, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वैसे ही हमारी क्या होती है अर्बनाइजेशन भी शुरू हो जाता है. ठीक है, यानी बेटा आप सभी को पता है कि जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों को जॉब मिलेगी तो बहुत ही जल्दी वहीं पर आसपास बहुत सारे लोग अपने घर बनाना शुरू करेंगे, वहाँ पर मार्केट बननी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर जो शॉप्स हैं बहुत सारी शॉप्स बननी शुरू हो जाएंगी. तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी शुरू हो जाता है. ओके, सम सिटीज आर लोकेटेड इन नियर द सिटी, सम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और
नियर द सिटीज़। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो या तो शहर में ही या शहर के पास जो है वहाँ पर लोकेटेड होती हैं। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड टू हैंड, और इसी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों एक ही साथ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगा, अर्बनाइजेशन होगा तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी होगा। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रूव सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, एडवाइस। यानी जो सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ क्या प्रोवाइड करवाती है, मार्केट प्रोवाइड करवाती है, और सिटीज़ रहेंगी तो वहाँ पर वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी। सर्विस किस तरह की, जैसे बैंकिंग हो गई, वहाँ पर इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है बहुत इजीली, लेबर मिल जाते हैं, कंसल्टेंट यानी बेटा जैसे कि बिजनेसमैन हो गए या किसी भी चीज़, ठीक है, कोई कंपनी लगाने वाले हो गए, एडवाइस देने वाले हो गए, ठीक है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बहुत से फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। तो इस तरह की हमें बहुत ही ऐसी चीज़ें सिटी प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्री को। मैनी इंडस्ट्रीज टेन टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नाउन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। और बहुत सारी जो सिटीज़ होती हैं, यानी बहुत सारे जो सेंटर होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इन सभी सुविधाओं को से लाभ उठाने के लिए क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे उद्योग जो है सिटीज़ के आसपास ही हो जाता है, यानी और उसको क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है, यानी क्या होता है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि वो एक ही जगह हमें मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसको एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी उनको बचत होने जाती है। अब बचत कैसे होती है, मान लीजिए कोई कंपनी लगी है वहीं पर, रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री भी है, तो जो कंपनी है उसको रॉ मटेरियल भी वहीं मिल रहा है और उसका गुड्स भी वहीं पर बन रहा है, ठीक है, तो उसको बचत हो गई ना। और बाकी चीज़ें सारी वहाँ पर सभी इंडस्ट्रीज और भी लगी हुई है, तो कोई उसको किसी चीज़ का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, कोई उसको किसी चीज़ का, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सभी इंडस्ट्रीज़ को बचत है, तो उसे क्या कहते हैं, समूहन बचत या एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ग्रेजुअली लार्ज इंडस्ट्रीज एग्लोमरेशन टेक प्लेस, और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बहुत बड़ा जो एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज होती हैं वो वहाँ पर स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। देखिए बेटा, अब जो प्री इंडस्ट्री इंडिपेंडेंस है उस टाइम में जो इंडस्ट्रीज हैं और अब की जो इंडस्ट्रीज हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था उस टाइम में जो इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादातर कहाँ पर लगी होती थी, ओवरसीज सीज के पास, ठीक है, समुद्र के आसपास। ठीक है, और यानी देखिए आप जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर है, यानी बहुत सारे उद्योग वहीं पर एक साथ मिल जाएंगे, तो क्यों होते थे समुद्र के आसपास, क्यों, क्योंकि जो पहले जो ट्रेड होता था वो सारा एक्सपोर्ट होता था, यानी आपको पता ही है जैसे ब्रिटिश इंडिया में जब रहते थे तो जो व्यापार होता था वो सारा क्या होता था, यहाँ से सामान बाहर जाता था। ठीक है, तो इस वजह से ही वो समुद्र के किनारे वाले एरिया पर जो है वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसली देयर एमर्ज सेंटर पॉकेट्स, सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट अर्बन सेंटर सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये बहुत बड़ी सिटीज़ थी, ये एक क्या करे, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में ये फेमस हो गए, और जो कि जहाँ पर जो कृषि इनके आसपास का जो एरिया था वो कृषि प्रधान था, यानी वहाँ पर जो एग्रीकल्चर हिंटरलैंड था, ठीक है, खेती होती थी। अब बेटा देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे होता है इनपुट मार्केट, जो इंडस्ट्रीज हैं और मार्केट का लिंक कैसे है, जो इनपुट होता है या रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या कंपोनेंट पार्ट्स जो होते हैं उनसे क्या होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रीनर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरप्रीनर क्या होते हैं बेटा, जैसे बिजनेसमैन हो गए, एडवाइस देने वाले हो गए, ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट, उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के बाद वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाकर वहाँ पर क्या होता है जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में जाते हैं, जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर उनको क्या मिलता है, मनी मिलता है। कभी कभी रॉ मटेरियल से भी डायरेक्ट मनी कमाया जा सकता है, ठीक है, या हम मनी से रॉ मटेरियल को लिंक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट कॉस्ट, और जो हमारी फैक्ट्री लोकेशन की जो की है तो क्या होता है, हमारी सबसे जो है लीस्ट, सबसे कम उत्पादन लागत निर्धारित की जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और जो गवर्नमेंट सरकार की जो नीतियाँ हैं जो, या जो स्पेशलाइज जो निपुण जो श्रमिक होते हैं वो भी उद्योगों की लोकेशन को, इंडस्ट्रीज लोकेशन को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए आइडल लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री कौन सी होती है, आइडल लोकेशन कॉस्ट ऑफ ऑप्टेन रॉ मटेरियल एज एट साइट, जहाँ पर कच्चा माल बहुत ईजिली मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो, सॉरी प्रोडक्शन जो है वहाँ पर हो जाए। उस नेक्स्ट डिसीजन ऑफ लोकेट फैक्ट्री एट साइट, उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय। देन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी कॉस्ट, यानी उत्पादन में जो लागत लगी होती है वो, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। लिस्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट यू यूज इन डेली सच एज ट्रांसिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल्स, ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन। आज हम देखते हैं कि हम अपनी डेली जो लाइफ होती है उसमें बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर हो गया, बिजली के बल्ब हो गए, ऑयल हो गया, ठीक है, सीमेंट, ग्लास के जितने भी सामान होते हैं, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर सर्टेनियन ऑन द वुड, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। और अगर हम क्या करें, हम जो है किसी विशेष मापदंड के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण उद्योग को हम बहुत ही, यानी जो इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के आधार पर। अब रॉ मटेरियल के आधार पर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखिए बेटा अब इसको समझिए। सबसे पहला एग्रोबेस, एग्रोबेस, एग्रोबेस क्या होता है, यानी जहाँ से हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिले, जैसे कि कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, यानी ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें जो है एग्रीकल्चर से मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड, यानी जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिनरल के रूप में मिले, ठीक है, यानी मिनरल जो होते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में मिले, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन्स, टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स, ये सब हमें नहीं, कौन सी होती है मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है। देन है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनके मेन रोल के आधार पर। अब कैसे, सबसे पहला क्या होता है हमारा बेसिक और की इंडस्ट्रीज, इनका क्या होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारा प्रोडक्ट होते हैं और जो रॉ मटेरियल, सॉरी, जो रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, ठीक है, वो क्या होता है एक दूसरे पर जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक, जैसे कि आयरन, स्टील एंड कॉपर, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है, यानी एक क्या करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल जो होता है हमारा जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल एक दूसरे पर जो है दोनों निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें क्या होता है
ऐसा गुड्स बनाए जाते हैं जिनको डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर सके, यानी उनके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आगे उनको मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि शुगर बनाया, जो इंडस्ट्री होती है शुगर इंडस्ट्री में शुगर बना और आपने शुगर को एज इट इज़ यूज़ कर लिया, ठीक है। टूथपेस्ट बना, पेपर, स्विंग मशीन और फैंस, ये सारे बनते हैं, इनको आप ऐसे ही जैसे कंपनी ने उनको बनाया ऐसे ही यूज़ कर लेते हो, ठीक है। और हमारी जो बेसिक या की इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा उत्पादन होता है वो कच्चे माल पर यानी रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी आयरन जो स्टील होती है उनकी जो आयरन स्टील या कॉपर स्मेल्टिंग की जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को, तब जाकर स्टील इंडस्ट्री यानी स्टील के प्रोडक्ट्स और आयरन के गुड्स जो हैं वो बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी के आधार पर। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड विद रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ ऑन द एसिस्ट ऑफ अ यूनिट, यानी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है एसिस्ट ऑफ यूनिट को, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस लिमिट्स है चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो लिमिट होती है टाइम पीरियड के साथ साथ जो है चेंज होती रहती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ इन रुपीज और 1 करोड़, और आज के समय में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितना कितना निर्धारित किया गया है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है वो हमारा 1 करोड़ रुपए को, उसको जो है अलाउ किया गया है, ओके। लेकिन ये क्या होता है, जैसे समय के साथ ये बदलता रहता है, ठीक है। और अगर यानी किसी भी जो इंडस्ट्री होती है, किसी भी इंडस्ट्री में यह जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा उद्योग कहते हैं, वृहत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, यानी इसका मालिक कौन है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके द्वारा ऑन की जाती हैं, बेटा वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ऑन की जाती है, उसके मालिक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, जैसे BHEL, SAIL, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइवेट इंडस्ट्री जो होती है उसमें कोई इंडिविजुअल अकेला एक व्यक्ति ही जो है स्वामित्व होता है एंड और क्या होता है, वो उसी का ओनर होता है, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, मतलब प्राइवेट सेक्टर में अकेला व्यक्ति या एक कोई जो ग्रुप होता है वो ओनर होता है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर जॉइंट रन बाय द स्टेट, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री किसके द्वारा की जाती है, स्टेट के द्वारा, ठीक है, जिस पर एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है या उसके द्वारा संचालित किए गए जो स्वामित्व है, ठीक, यानी किसी जो ग्रुप होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी अकेले व्यक्ति का जो ग्रुप होता है वो उसका मालिक होता है। ऑयल इज़ जॉइंटली ऑन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो ऑयल होता है वो किसके द्वारा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा वो जो है दोनों ने उसको ज्वाइंट किया हुआ है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ऑन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है हमारा कि ये किसके द्वारा ऑन की जाती है, खुद प्रोड्यूसर के द्वारा या फिर सप्लायर के द्वारा, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल, यानी जो सरकारी एजेंसी होती हैं या सरकार के द्वारा ये एक किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर बाकी सभी जो किसी ग्रुप के द्वारा होती है। वर्कर और बोथ, या इसमें जो होता है रॉ मटेरियल जो सप्लायर होता है वो वर्कर होते हैं या दोनों ही होते हैं, दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपरली सच एज द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। और ये क्या करते हैं, जो जितना भी इनका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो प्रॉपर्ट जितना उनका हिस्सा है उनकी कंपनीज में उसके अकॉर्डिंग ये बांट लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की कोर महाराष्ट्र में
ठीक है, शुगर इंडस्ट्री जो है नेक्स्ट कोर इंडस्ट्री इन केरला, या केरला में जो कोर इंडस्ट्री है वो। नेक्स्ट है बेसिस ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। इसमें क्या करते हैं हम कि हैवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन या स्टील इंडस्ट्री जो होती हैं वो इसमें बल्क या फिर हमारे वेट ऑफ द रॉ मटेरियल या फिनिश गुड इनके ऊपर बेस्ड जो होती हैं उनमें आती है। नेक्स्ट है जो लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं उनके भार को कम करने करने वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है हल्के उद्योग की इंडस्ट्री में और उसका उत्पादन करते हैं जैसे कि विद्युतीय उद्योग। ओके, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती हैं।